जैसे वेल्डिंग का नाम आता है तो वेल्डिंग का काम के लिए बहुत सारा अलग अलग ब्रांड का मशीन आता है, पैनासोनिक का है, कैंपी है, जैसे ये देखिए इधर नेमको का भी है, रेक्टिफायर टाइप का मशीन है, इन्वर्टर टाइप का है, मतलब जैसे अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है हर एक चीज़ में, वेल्डिंग में होने दो, इलेक्ट्रोड में होने दो या किस में भी। देखिए चलो मैं आपको ये आज जो हमारे पास पैनासोनिक का मशीन है इसका बारे में मैं आपको जानकारी दे देता है। ये देखिए ये तो चलिए अभी ये 14 नंबर मशीन है। अभी ये 14 नंबर काय के लिए दिया गया है ये भी बताता है आपको। बहुत सारा जगह ऐसा होता है कि वेल्डिंग का काम होता है और उधर मशीन रखने के लिए स्पेस नहीं होता है तो मशीन अलग जगह पर रख दी जाती है और उसके और केबल जैसे जिधर काम करना है उधर वेल्डिंग केबल लेके जाके अर्थिंग देके उधर जॉब किया जाता है, इसके लिए मशीन से अलग रखा है। ये देखिए 14 नंबर इसके लिए दिया गया है कि जैसे हम लोग बूथ में जाते हुए, ये देखिए 16 नंबर है, 17 नंबर है, जैसे आपको हम लोग बूथ में जाते हैं तो ये आपको नंबर मिलेंगे ऐसा 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर ऐसा। तो ये हो गया जानकारी के लिए हो गया। उसके बाद आपको इसका और एक फ़ायदा होता है आपको, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप पैनल पे जाते हो तो ये देखिए इधर भी 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर ऐसा दिखता है। अगर ये स्विच ऊपर करते हो, ये तो मशीन चालू ही है, ऊपर करते हो तो चालू करने के लिए आसानी होती है, इसके लिए ये 14 नंबर दिया गया है। उसके बाद जैसे आपने ये देखिए ये मशीन अभी चालू कर दिया है, ये देखिए डिस्प्ले में लाइट भी आ गया है, आप तो देख ही रहे होंगे। उसके बाद चलो मैं आपको आज मशीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आपको ये अच्छे से समझने वाली है। जैसे अभी इधर ये 3 स्विच दिए गए हैं, ये फर्स्ट स्विच जो है ना, ये देखिए वेल्डिंग करंट, जैसे आप अगर बूथ में आपके पास जिधर भी वेल्डिंग का जॉब करते हो उधर अगर उधर रिमोट नहीं है आपके पास तो मतलब आप इधर से मशीन का पावर एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके ये तो आर्क फोर्स का करंट का बटन है, ये हमेशा थोड़ा सा लूज छोड़ना चाहिए, मतलब थोड़ा आगे करके रखना चाहिए। ये देखिए इधर है ये आर्क स्टार्टिंग करंट, इसको भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा करके छोड़ना चाहिए। जब आपका इलेक्ट्रो स्पार्क करते हो ना वो समय इसका उपयोग होता है। इसके बाद आता है ये इलेक्ट्रिक शॉक प्रिवेंट मशीन, इलेक्ट्रिक शॉक प्रिवेंट का बटन, ये हमेशा ऑन ही रखना है। जैसे आप कुछ बूथ में काम कर रहे हो अगर कुछ आपको शॉक वगैरह लग जाता है, अगर ये स्विच ऑन है तो मशीन अपने आप ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको ये इधर भी दो बटन दिए गए हैं, एक सिंपल टिक का दिया है, एक स्टिक का दिया है। जैसे आप आर्क वेल्डिंग करते हो, आर्क 7018 जो भी है, अगर आर्क वेल्डिंग करते हो तो आपको ये स्विच दबा के रखने का, और सिंपल टिक में कभी रखना है जब आप आर्गन मार रहे हो, टिक वेल्डिंग मार रहे हो तब सिंपल टिक में रहना है। ओके वेल्डिंग का करंट कितना है ये तो आपको डिस्प्ले में कम ज़्यादा जो भी करेगा आपको इधर मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद ये ऊपर एक स्विच दिया गया है वार्निंग का, दिख रहा होगा नीचे, और नीचे पीला एक बल्ब लगा हुआ है छोटा सा एक स्मॉल, तो वो ये इंडिकेट करता है कि जैसे मशीन में कुछ खराबी आ गई है या पावर कम ज़्यादा है, पावर बराबर से है ही नहीं या मशीन बराबर नहीं चल रहा है, तो वो पीला लाइट जल जाता है कि भाई मशीन में कुछ तो गड़बड़ी है या आपका वोल्टेज बराबर से आ नहीं रहा है या सप्लाई जा नहीं रहा है मशीन से, ये इंडिकेट करता है वो। उसके बाद ये देखिए ये तो पैनासोनिक का 400 एम्पियर का मशीन है, ये है उसका मॉडल नंबर है डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट में चलने वाली। ये नीचे जो दिया गया है इन्वर्टर टाइप का मशीन है, इसी मशीन के प्रकार तो बहुत सारे आते हैं, इन्वर्टर आता है, रेक्टिफायर आता है, डीजल वाला भी आता है, सभी जूना जो मशीन है वो रिटायर होते जा रहा है, नया टेक्नोलॉजी आते जा रहा है। उसके बाद ये देखिए ये इधर माइनस में लिखा है, माइनस का मतलब है निगेटिव पोलरिटी, निगेटिव मतलब स्ट्रेट पोलरिटी बोल सकते हैं। ये प्लस माइनस क्या है ये पूछ सकता है कोई तो अपन उसको बता सकते हैं कि स्ट्रेट पोलरिटी मीन्स माइनस और रिवर्स पोलरिटी मीन्स प्लस, ऐसा जब आप आर्गन मारते हो ना तो वो स्ट्रेट पोलरिटी में मारा जाता है, मतलब माइनस में मारा जाता है, और जैसे आर्क मारते हो ना वो प्लस में होल्डर होना चाहिए। अभी देखिए इधर तो
दो बटन दिए गए हैं इधर, एक ऑर्डनरी स्टिक का है, एक सेलुलर स्टिक का है। ऑर्डनरी स्टिक मीन्स क्या रहते हैं, जैसे रेगुलर चलने वाले 7018 हो गया, 7016 हो गया, या इसी टाइप का इलेक्ट्रोड जो भी आता है वो। सेलुलर स्टिक मीन्स ये रहता है 6013 हो गया, 6010 हो गया, या 7010 हो गया। जैसे मोस्टली ज़्यादा करके आर्क वेल्डिंग होता है ना, 6G आर्क वेल्डिंग या प्लेट में आर्क वेल्डिंग के लिए तो 7018 यूज़ किया जाता है, पर पाइपिंग में जो होता है इलेक्ट्रोड यूज आर्क के लिए, तो ज़्यादा करके आर्क वेल्डर हो गया, डाउन हिल वेल्डिंग हो गया, डॉली मिक्स वेल्डिंग हो गया, उसके लिए ये सेलुलर स्टिक यूज़ होता है। ये हो गया पैनासोनिक मशीन का जानकारी। अगर आपको ये मशीन के बारे में कुछ सवाल पूछना है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने का ज़रूर कोशिश करूँगा या अगली वीडियो में उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू।